हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम आदर्श स्कूल की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ बहुपद दिए हैं और उन बहुपदों के साथ कुछ शून्यक दिए हैं, ठीक है। उन शून्यकों के आधार पर अपन को इस बहुपद के और शून्यक ज्ञात करने हैं। तो देखो, इस बहुपद के अन्य शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन में बहुपद एफ एक्स दी कितना दिया हुआ है, 2x4 -3x3 -3x2 +6x-2। ये अपने पास बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद के दो शून्यक अपन के पास ये दिए हुए हैं। बहुपद के शून्यक, कुछ शून्यक अपने पास हैं, एक तो है प्लस का √2 और दूसरा है माइनस का √2। ये दो अपने पास शून्यक दिए हुए हैं। इन दोनों शून्यकों के आधार पर इस बहुपद के अन्य शून्यक अपन को ज्ञात करने। तो देखो, इस शून्यक के आधार पर बहुपद का अन्य शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, इस बहुपद में चर राशि कौन सी है, एक्स है, ठीक है। अब इस एक्स में एक्स बराबर √2 रखेंगे, कितना, एक्स बराबर √2 रखेंगे इस बहुपद में, तो एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे ही एक्स बराबर -√2 रखें इस बहुपद में तो भी एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बहुपद के क्या है, शून्यक है। और शून्यक होते ही क्या है, जिनके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है वो बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, इसलिए x बराबर √2 रखने पर और x बराबर √2 रखने पर fx बहुपद का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखो, x बराबर कितने रखने पर, √2 रखने पर, और x बराबर -√2 रखने पर fx का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखो, इस √2 को x के पास ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x -√2। ऐसे ही इस -√2 को इधर ले जाएंगे x के पास तो क्या हो जाएगा, x +√2। अब इन दोनों पदों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखो, गुणा यहाँ आपको पता है, या तो वैसे गुणा कर लीजिए या एक सूत्र के माध्यम से, a प्लस बी और a माइनस बी, एक सूत्र होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो देखो, यहाँ ए एक्स को मान ले और बी √2 को मान ले, तो ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, या तो ये डायरेक्ट आ सकता है या इसको आप गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करेंगे, पहले एक्स को इस संपूर्ण पद से गुणा कीजिए, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, अब एक्स को प्लस √2 से करेंगे तो एक्स √2, ठीक है, इससे हो गया। अब माइनस √2 से संपूर्ण पद को गुणा कर दीजिए, माइनस √2 से एक्स को करेंगे तो माइनस एक्स √2, अब माइनस √2 को प्लस के √2 से करेंगे, माइनस को माइनस को प्लस से किया तो माइनस, √2 को √2 से किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप सभी को पता है √2 गुणा √2 करने पर कितना आता है, 2 आता है। कैसे आता है, √2 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2^1/2 गुणा 2^1/2। मैंने बताया था जब घातों के आधार समान हो, यहाँ इन दोनों घातों के आधार क्या हैं, 2 हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब घातों के आधार समान हैं। जब घातों का आधार समान होते हैं और वो दोनों किस में होती हैं, राशियाँ गुणन में होती हैं, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2^1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2^1 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ये इस प्रकार से आ रहा है, आप सभी को पता है। अब देखो, आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ गया एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट दो में से एक्स अंडर रूट दो कट जाएगा, क्या बचेगा जीरो, जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और क्या बच रहा है माइनस का दो बच रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पदों को गुणा करने पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस दो। ठीक है, अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं इस बहुपद के अन्य शून्य ज्ञात करें, तो देखो कैसे ज्ञात करें, एक्स स्क्वायर माइनस दो आ गया। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस दो का इस एफ एक्स बहुपद में क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, क्या दे दीजिए एफ एक्स बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस दो का भाग दे दीजिए। भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा भागफल प्राप्त होगा, उस भागफल के आधार पर और अपने भाज्य भागफल और शेषफल इनके आधार पर अपन क्या निकालेंगे बहुपद के अन्य शून्यक निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस दो जो प्राप्त हुआ है उसका भाग एफ एक्स बहुपद में देते हैं। तो देखो भाग दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस दो का, एक्स स्क्वायर माइनस दो का भाग किसमें देना अपन को एफ एक्स बहुपद में, दो एक्स की घात चार माइनस तीन एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स माइनस दो, इसमें अपन को भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस दो का। तो भाग देना आप सभी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, कैसे देते हैं भाग, सबसे पहले अंदर वाले बहुपद में देखते हैं, या अंदर वाले बहुपद में देखते हैं कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, यहाँ पर अधिकतम घात वाला पद कौन सा है टू एक्स की घात चार। ठीक है, अब बाहर वाले पद में देखो अधिकतम घात वाला पद कौन सा है एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स की घात चार में एक्स स्क्वायर का भाग दे दीजिए, एक्स की घात चार में से एक्स की घात दो कट जाएंगी तो कितनी बचेंगी एक्स की घात दो, और गुणा में क्या है दो है, तो कितना आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर। अब इस टू एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और इस टू एक्स स्क्वायर से इस संपूर्ण पद को क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो गुणा करो दो गुणा एक्स की घात दो, गुणा किससे करना है एक्स स्क्वायर माइनस दो से, करो गुणा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से किया तो कितना आ गया एक्स घात चार, और दो गुणा में है। अब दो एक्स स्क्वायर को माइनस दो से करो, यहाँ प्लस का दो है यहाँ माइनस का है, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, दो को दो से करेंगे चार, और एक्स स्क्वायर इसके गुणन में है, तो क्या आ गया इसको गुणा करने पर दो एक्स की घात चार माइनस चार एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो ये अपन को एक्स घात चार वाला पद है और एक्स घात दो वाला पद है, तो एक्स घात चार वाले पद को एक्स घात चार वाले पद के नीचे लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा दो एक्स घात चार। अब क्या है अपने पास एक्स घात दो वाला पद है, तो एस को एक्स की घात दो वाले पद के नीचे लिख दीजिए, और इसके बाद इन दोनों का चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है अपने पास थ्री एक्स की घात तीन, यहाँ क्या बचेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में प्लस चार एक्स करेंगे, मतलब चार एक्स स्क्वायर में से माइनस के तीन एक्स स्क्वायर गए तो कितना बच गया प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स माइनस के दो। ठीक है, अब वापस वही विधि, अंदर वाले पद में देखो अधिकतम घात वाला पद तीन एक्स की घात तीन माइनस के, ठीक है, बाहर वाले पद में अधिकतम घात वाला पद एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कटेगा तो कितना बचेगा माइनस थ्री एक्स। अब इस माइनस थ्री एक्स को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और माइनस थ्री एक्स से इस संपूर्ण पद को गुणा कीजिए, माइनस थ्री एक्स से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब। अब माइनस थ्री एक्स क्यूब को एक्स क्यूब वाले पद के नीचे लिख दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस थ्री एक्स को माइनस टू से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का छः एक्स। अब प्लस के छः एक्स को एक्स के वाले पद के नीचे लिख दीजिए, ये प्लस के छः एक्स। अब क्या कर दीजिए चिन्ह परिवर्तित, ये माइनस का है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब वही विधि, अंदर वाले पद में अधिकतम घात वाला
वाला पद एक्स स्क्वायर भार वाले पद में एक्स स्क्वायर कट गया, एक बचा, तो प्लस का वन को इधर लिख दीजिए, इसको उससे गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे, अचर पद को अचर वाले पद के नीचे, अब वापस चिन्ह परिवर्तित, कटेगा क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भाग देने पर अपन को यहाँ तक प्राप्त हो गया, भाग पर अपन को क्या मिला है, दो एक्स घात दो माइनस तीन एक्स प्लस वन। ठीक है, और शेष पल अपने पास क्या है, जीरो है। ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है, भाज्य है। ठीक है, ये क्या अपने पास, भाजक है जिसका भाग देते हैं, ये क्या अपने पास, भागफल है, और ये क्या अपने पास, शेष फल है। तो इन चारों में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, ये आप सभी को पता है एक संबंध होता है भाज्य भाजक भागफल और शेष फल में। ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब इसी संबंध के आधार पर इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करेंगे। हमारे पास भाज्य क्या है, ये है दो एक्स घात चार माइनस तीन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स माइनस दो, ये अपने पास भाज्य है, क्या है, एफ एक्स है। तो भाज्य की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, बराबर भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस दो, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस दो। अब गुणा में भागफल, भागफल क्या है अपने पास, दो एक्स की घात दो माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और शेष फल अपने पास कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, इस बहुपद के शून्य का, मतलब एफ एक्स बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए वो बहुपद किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर किसके मान लेते हैं, जीरो के मान लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर जीरो को यहाँ रख दीजिए, तो क्या जाएगा, जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन प्लस जीरो, जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए। देखो ये आ गया अपना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार तो इस पद को जीरो के पास ले जाइए, अब दोनों पद गुणा में है, तो इस पद को अपन ले जाएंगे तो जीरो के इधर ले जाएंगे तो जीरो के किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, और इस पद को इधर ले जाएंगे तो ये जीरो के बटे में चला जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वाले पद को जीरो के इधर लेके जाते हैं, तो क्या मिलेगा अपन को, दो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इस पद को इधर ले जाएंगे तो किसके बटे में चला जाएगा, जीरो के बटे में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का टू, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। तो अपन को क्या मिल जाएगा, टू एक्स की घात दो माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब इस बहुपद का, ये जो द्विघात बहुपद मिला है अपन को, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े करो, टुकड़े कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, ये सभी को पता है। प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर को वन से करा तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस द्विघात बहुपद में जो मध्य वाली राशि होती है, उस मध्य वाली राशि कौन सी है, माइनस थ्री एक्स, इस माइनस थ्री एक्स को अपन को ऐसी दो राशियों में विभाजित करना है जिनको गुणा करने पर तो क्या आ जाए, दो एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का थ्री एक्स आ जाए। तो मैं इसको माइनस का टू एक्स और माइनस का एक्स में विभाजित कर देता हूँ, तो इन दोनों माइनस टू एक्स को और एक्स को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा। तो माइनस का थ्री एक्स की जगह यहां पर माइनस टू एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस सॉरी टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की जगह
जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। 2x स्क्वायर में से 2x बाहर ले लिया, दो बार आ गया। x स्क्वायर में से एक x बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस इस 2x को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस वन कॉमन ले लिया, माइनस वन को अंदर x से गुणा किया तो प्लस का x और ये माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास बराबर 0। अब देखो x, अब यहाँ पर इस पद में, इस संपूर्ण पद में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x माइनस वन है और यहाँ भी x माइनस वन है, तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस वन। अब इस पद में से x माइनस वन बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, 2x, और इस पद में से x माइनस वन बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बराबर क्या अपने पास, 0 है। ठीक है, अब देखो, अब एक बार इस पद को 0 के इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0 बटे x माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार से इस पद को एक बार इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 बटे 2x माइनस 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, मतलब कि x बराबर 1/2, एक शून्य का अपने पास ये मिल गया, x बराबर 1/2। इसी प्रकार से x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो दूसरा शून्य करने ये मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन और शून्य ज्ञात करते हैं, बहुपद के अन्य शून्यक इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और देखिए, यहाँ वापस आ जाइए, यहाँ पर क्या किया था अपन ने, पहले इस पद को 0 के इधर लेकर आए थे, ये लेकर आए थे ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 0 के पास ले गए तो 0 किस में चला गया, बटे में चला गया था। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को 0 के पास में लेकर आएंगे तो वो किस में चला जाएगा, 0 के बटे में चला जाएगा। तो क्या आएगा, देखो किसको उधर ले जाएंगे, 0 के पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 बटे क्या जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 15 था, उसमें अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 15 को कैसे लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिखा था कि नहीं लिखा था। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर के बराबर में क्या है, 0 है। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, मतलब कि x माइनस अंडर रूट 2, और a प्लस बी x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब एक बार इसको उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 बटे x माइनस अंडर रूट 2, और क्या आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, मतलब कि x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। ये शून्य को अपने पास पहले से ही दिया हुआ है, एक शून्य। इसी प्रकार से अपन जैसे इसको x प्लस अंडर रूट 2 को 0 को उधर लेके गए थे, सॉरी x माइनस अंडर रूट 2 को उधर लेके गए थे, उसी प्रकार से अपन x प्लस अंडर रूट 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो ठीक है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, अपने पास कोई बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद के 2 शून्य दिए हैं। ठीक है, इन दोनों शून्यकों के आधार पर इस बहुपद के अन्य शून्य ज्ञात करने, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बहुपद के शून्य क्या दिए अपने पास, अंडर रूट 2 और माइनस की अंडर रूट 2, मतलब कि इस बहुपद में चर राशि की जगह प्लस का अंडर रूट 2 रखेंगे या माइनस का अंडर रूट 2 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात चर राशि क्या है, x है, तो x बराबर अंडर रूट 2 रखने पर 0 होता है, और x बराबर माइनस अंडर रूट 2 रखने पर भी fx का मान कितना होता है, 0 होता है। अंडर रूट 2 को x के पास लेकर आएंगे तो x माइनस अंडर रूट 2 बन जाएगा, ऐसे
जैसे ही x बराबर माइनस अंडर रूट दो को इधर लेके आएंगे तो x प्लस अंडर रूट दो बन जाएगा। अब इन दोनों पदों को गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर ये पद प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस टू का इस पद में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पर अपन को ये भागफल मिल जाएगा, ये शेषफल मिल जाएगा, ठीक है। अब इस भागफल शेषफल भाजक और भाज्य में एक संबंध होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इनको यहाँ पर अरेंज कर देंगे, भाज्य की जगह भाज्य लिख दिया, ये पूरा अपना क्या है, भाज्य है, और ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो भाज्य की जगह अपन ने क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया। भाजक कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस दो, और भागफल कितना है, ये है, और शेषफल जीरो आ रहा है, तो ये वाला पद अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से अपन इस पद के अन्य शून्य के ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करने के लिए शून्य निकालने के लिए क्या आवश्यक होता है, जिस पद का शून्य, जिस बहुपद का शून्य निकाल रहे हैं वो बहुपद किसी वास्तविक संख्या के लिए, किसी वास्तविक संख्या के लिए यदि जीरो उसका मान प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो अपन बहुपद का शून्यक निकालने के लिए एफ एक्स को जीरो के बराबर मान लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर जीरो को यहाँ रखेंगे तो ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। इसको अपन ने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो ये दोनों पद गुणा में हैं, इस पद को मैं पहले जीरो के पास ले गया तो गुणा में होने के कारण जीरो के बटे में चला जाएगा। अब जीरो में किसी भी राशि का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, तो हमें क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इस ये कौन सी समीकरण प्राप्त हो गई, कौन सा बहुपद प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना हमें आता ही है, गुणनखंड करने के बाद टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े करने के बाद हम इस बहुपद के क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम इस बहुपद के शून्यक निकालते हैं, कितना आ जाता है, एक शून्यक आता है x बराबर एक बटे दो, और एक आता है x बराबर माइनस सॉरी x बराबर एक, ठीक है। पहले तो इसको अपन एक्स स्क्वायर माइनस दो को उधर लेके गए थे, अब क्या करेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को जीरो के इधर ले जाएंगे, गुणा में होने के कारण ये किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, बटे में चला गया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो बराबर जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस दो को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट दो का होल स्क्वायर बराबर जीरो लिख सकते हैं। अब यहां पर एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो, होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो सूत्र यहाँ लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न ये आ जाएगा, और ये आकर ये जो शून्यक अपन के पास दिए हुए हैं वो शून्यक निकल आएंगे, और उनके अतिरिक्त ये दो शून्यक अपने पास निकल गए, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन दिया, सेकेंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व करना है।